तो जब से हमने वर्ल्ड सिनेमा को डिस्कवर किया है तभी से मूवीज को लेकर अक्सर लोगों की हाई एक्सपेक्टेशंस रहती है, जिसमें ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंस होना चाहिए, बड़े बड़े सेट होने चाहिए और भी बहुत कुछ। बट ओवर द टाइम हम शायद ये भूल जाते हैं कि मूवीज बस हमारे एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही होती है, जिसमें मूवीज को जगह जगह पर लोगों ने कई तरह से इस्तेमाल किया है। जैसे कि कुछ मूवीज होती हैं लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए, कुछ मूवीज होती हैं समाज में मौजूद नौजवानों के बीच देशभक्ति का भाव जगाने के लिए, और कुछ मूवीज होती है जिसमें हम अपने मन में आ रहे भाव को किस तरह से सिनेमा के थ्रू एंजॉय कर सकते हैं उस बेसिस पर बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है पर आप उस प्रेम के रस को चखना चाहते हो तो कोई भी आप अपनी पसंदीदा लव स्टोरी वाली मूवी देख लेते हो। और ऐसा ही अक्सर किया जाता था पिछले कई दशकों तक, जिसमें जब सिनेमा नहीं था तब लोग किताबों में उस प्रेम के रस को चखते थे। और इसका परफेक्ट डिस्क्रिप्शन देते हुए राजन डीके ने शो बनाया था द गन्स एंड गुलाब्स, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि 90s के दशक में लोग लव लेटर्स के थ्रू अपने प्रेम का इजहार करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो लव का एलिमेंट है ये शायद ही हमें इतने प्योर और इनोसेंस के फॉर्म में देखने को मिलता होगा। बट थैंक्स टू माय फ्रेंड जिसने मुझे छत्तीसगढ़ी मूवी से वाकिफ कराया, जिसमें आज भी वो लव स्टोरी उसी इनोसेंस के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। अब मैंने यहाँ ज्यादा छत्तीसगढ़ी मूवी तो नहीं देखी है, बट अब तक मैंने जितनी भी देखी है वो सबसे बेस्ट है। शायद इसीलिए मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने छत्तीसगढ़ी मूवी देखी BA फाइनल ईयर, एंड अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अमेजिंग। अब काफी सारी चीजें हैं जिसे आप मुझसे एग्री ना करें, विच इज कॉमन बिकॉज हर किसी का अपना ही एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। सो लेट्स बिगिन। तो मूवी बेस्ड है डीजल और श्रीदेवी की लव स्टोरी को लेकर, जिसमें डीजल का कैरेक्टर प्ले किया है मन कुरेशी ने, जिन्हें छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री का सुपरस्टार भी कहा जाता है, एंड श्रीदेवी का रोल प्ले किया है दीक्षा जायसवाल ने, जो कि काफी खूबसूरत है। श्रीदेवी एक बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट होती है, बट उसके पापा का ट्रांसफर आंध्र प्रदेश से छत्तीसगढ़ में हो जाता है, जिसके कारण श्रीदेवी को यहाँ की लोकल लैंग्वेज दैट इज छत्तीसगढ़ी सीखने में थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन सब प्रॉब्लम से भी बड़ी प्रॉब्लम होती है उसकी खुद की सौतेली माँ, जो श्रीदेवी की शादी अपनी फ्रेंड के बेटे बंटी से कराना चाहती है, और बंटी श्रीदेवी के लायक बिल्कुल भी नहीं होता। इसी चीज को लेकर श्रीदेवी के पापा और उसकी सौतेली माँ के बीच आए दिन बहस होती रहती है। यहाँ मैं एक और चीज मेंशन करना चाहूंगा, श्रीदेवी के कैरेक्टर को जिस तरह से दीक्षा ने प्ले किया है दैट इज ट्रूली फैसिनेटिंग। दीक्षा का इनोसेंट फेस और वो मासूमियत श्रीदेवी के कैरेक्टर को और भी ब्यूटीफुल बनाता है, और यहाँ पर इसका श्रेय डायरेक्टर को भी जाता है जिन्होंने बेवजह के डायलॉग्स मूवी में नहीं डाले श्रीदेवी के कैरेक्टर को और एस्टेब्लिश करने के लिए। क्योंकि अगर आप मूवी को ध्यान से देखोगे तो आप एक और चीज नोटिस करोगे, और वो है श्रीदेवी का कैरेक्टर आर्क। जब भी किसी मूवी के कैरेक्टर में एक सडन चेंज आता है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या फिर कोई एक ऐसा इंसिडेंट जिसकी वजह से हमारे कैरेक्टर के आसपास के एनवायरनमेंट में कुछ बदलाव आते हैं जिसके कारण हमारे कैरेक्टर का बिहेवियर चेंज होने लगता है, उसे कैरेक्टर आर्क कहते हैं। और वही शिफ्ट हम श्रीदेवी के कैरेक्टर में भी देखने को मिलता है, क्योंकि जब वो शुरू शुरू में कॉलेज आती है तब उसके आसपास का माहौल उसके लिए बिल्कुल ही नया होता है, उसे लैंग्वेज नहीं आती। बट जैसे ही उसकी मुलाकात डीजल से होती है उसका बिहेवियर चेंज होने लगता है, वो अपने लिए आवाज उठाना शुरू करती है, और उसी का रिजल्ट हमें मूवी की एंडिंग में भी देखने को मिलता है, जहाँ श्रीदेवी निडर और निर्भय होकर अपनी माँ से डीजल के लिए स्टैंड लेती है। डिटेल्स। मूवीज को देखते वक्त आपने अक्सर देखा होगा कि मूवीज में कई बार कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट होते हैं जो हमें लगता है कि काफी कॉमन है, बट उसे ऐड किया जाता है राइटर के द्वारा, जो भले ही हमें कॉमन लगे बट उसका इम्पैक्ट हमें आगे देखने को मिलता है, और BA फाइनल ईयर में भी हमें वो देखने को मिलता है। तो जब डीजल और श्रीदेवी एक ही कैंटीन में बैठे होते हैं खाना खाने के लिए, तो डीजल श्रीदेवी से कहता है, श्रीदेवी तुम्हारा टिफिन कहाँ है? अब उस दिन श्रीदेवी को ज़्यादा भूख नहीं लग रही होती इसलिए वो उस दिन खाना नहीं लाती, और डीजल से वो कहती है आज उसे भूख नहीं लग रहा, लेकिन जिस दिन उसे सबसे ज़्यादा भूख लगी तो देखना तुम खुद ही उसके लिए टिफिन लेकर आओगे, मतलब कि खाना लेकर आओगे। और फिल्म में जब आगे चलकर श्रीदेवी की माँ को श्रीदेवी और डीजल के बारे में पता चलता है तब उसकी माँ उसे कमरे में बंद कर देती है, और फिर डीजल श्रीदेवी के लिए खाना ले जाता है एक टिफिन में। तब श्रीदेवी उसे इमोशनल होकर कहती है आज सच में उसे काफ़ी ज़ोर से भूख लग रही थी, जो कि उसी इंसिडेंट को सिग्निफाई करता है जब श्रीदेवी ने उसे कहा था कैंटीन में। कलर ग्रेडिंग। तो देखो यार, जब भी हम मूवीज को देखते हैं तो उसका जो कोर होता है यानी कि उसके फिल्म का कलर, जो कि हम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैंने किसी छत्तीसगढ़ी मूवी में कलर्स का इतना ब्यूटीफुल तरीके से इस्तेमाल होते हुए देखा है। इससे पहले हंसन पगली फलसफी मूवी में भी फिल्म के कलर्स में काफी फोकस किया गया था, वरना यूजुअली इस तरह की मूवीज काफी वाइब्रेंट कलर्स में रिलीज होती है जिसे देखकर सरदर्द करने लगता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मूवीज काफी सीरियसनेस के साथ बनाया गया है,
बट जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कभी भी कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, वैसे ही कुछ कमी हमें इसमें भी देखने को मिलती है, साउंड इफेक्ट। और मैं जिस कमी की बात कर रहा था वो यही है। अभी भी इन मूवी में काफ़ी सारे कंप्यूटर जनरेटेड आर्टिफिशियल साउंड इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे आप किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि पन साउंड इफेक्ट, किक साउंड इफेक्ट और ट्रांजिशन साउंड इफेक्ट, जो कि काफ़ी अनोइंग होता है। खासकर अगर आप इसे थिएटर में देखोगे तो और भी ज़्यादा अजीब लगता है। बाकी एक्शन सिक्वेंस वो भी कम था, और वो भी लास्ट में बंटी के गुंडों से लड़ते वक्त, जिसे देखकर लगता है कि मानो बस फिल्म को किसी भी तरह से एंड करने के लिए इसे शूट किया गया होगा। एट द लास्ट बट नॉट लिस्ट, परफॉर्मेंस। तो पूरी मूवी में पर्सनली श्रीदेवी और लगभग सभी कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है, बस विलन को छोड़कर, मतलब कि मैं यहाँ स्क्रीन प्ले के नज़रिए से बात कर रहा हूँ। विलन का जो इम्पैक्ट है वो स्क्रीन में कभी भी फील होता ही नहीं है, क्योंकि अब भी मुझे याद है कि जब जब मैंने मूवीज़ को देखा था, मतलब कि मूवीज़ में जब जब विलन का एंट्री होती थी, तो तब तब थिएटर में लगभग काफ़ी लोग हंसने लग जाते थे। अब वैसा क्यों करते थे ये तो मुझे नहीं पता, बट हाँ, अगर बंटी को स्क्रीन प्रेजेंस थोड़ा सा और मिलता तो शायद बात बन सकती थी। हालांकि ओवरऑल कंक्लूजन निकाला जाए तो यार, बस हमें इन फिल्म्स को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में, यानी कि भविष्य में, हमें और भी ज़्यादा मज़ेदार मूवी देखने को मिले। और एक और बात तो रह गई, और वो है हीरो का एंट्री सॉन्ग, वर्ल्ड फेमस गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। डायरेक्टर ने जिस तरह से क्रिएटिव लिबर्टी ली है मूवी की मार्केटिंग को देखते हुए, वो नेक्स्ट लेवल है। हालांकि अगर आपने ये मूवी देख रखी है तो आपको कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू मूवी के साथ, और हमेशा की तरह